सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आपके जो पेट 2021 की परीक्षा हुई थी उसमें जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था उसके सभी जो ग्राफ वाले दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो तालिका वाले दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कि चार क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। आपको पता है ग्राफ के एक क्वेश्चन में 5 प्रश्न होते हैं और तालिका के भी क्वेश्चन में 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो टोटल 20 क्वेश्चन हम लोग जो आपके 2021 के पेट के पेपर में ग्राफ और तालिका से रिलेटेड प्रश्न आए थे वह हम लोग देखने वाले हैं। और यह आपका सेट ए है। क्वेश्चन तो सारे आपको मिल जाएंगे, सभी सेटों में क्या मिलते हैं, आगे पीछे प्रश्न मिलते हैं। तो 2021 में प्रश्न सारे आपको वही मिलेंगे, हो सकता है आप कोई दूसरा सेट देख रहे हो, मैं सेट ए आपको जो है वह सॉल्व करा रहा हूं। तो क्वेश्चन तो आपको सारे मिलेंगे, हो सकता है आगे पीछे मिल जाए, ठीक है। और चलिए हम लोग देखते हैं सभी जितने भी टेबल और तालिका, यह देख लीजिए आप, जितने भी आपके ग्राफ और तालिका के प्रश्न हैं आसान होते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से आप 20 में 20 नंबर स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, समझाते हुए चलूंगा, तो आपकी अच्छी तैयारी भी होगी, ठीक है। लेकिन पहले आपको क्या करना है, आपको खुद कॉपी पेन लेके बैठना है और खुद से पहले प्रयास करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। यहाँ पे देखिए हमें टेबल दिया गया है, अब हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नीचे दिए ग्राफ पे आधारित इन प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और इन इसी पे आधारित आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका आपको उत्तर देना है 5ों का, ठीक है। तो देखिए ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। अनुपात मीन्स रेशियो। और 7 स्टूडेंट्स ने जो इतिहास और भूगोल में अंक प्राप्त किए हैं उन्हीं का अनुपात। अनुपात मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात। तो अनुपात मतलब आप समझते होंगे रेशियो, यानी कि इतिहास में जो छात्र ने नंबर पाया उसको भिन्न का अंश बना दिया गया, रेशियो का अंश बना दिया गया और बटे भूगोल। अनुपात मतलब भिन्न, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात का मतलब हो गया जो भी छात्र ने अंक प्राप्त किया, इतिहास में जो अंक प्राप्त किया मान लेते हैं उसने 15 नंबर प्राप्त किया और भूगोल में मान लेते हैं 10 नंबर प्राप्त किया, तो ये क्या हो गया, यह छात्र के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात हो गया, ठीक है। यह चीज आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए ग्राफ में आपको क्या समझना है, ग्राफ तो पहले आपको देखने आना चाहिए। अब ग्राफ में देखिए दो अक्ष हैं, दो एक्सिस हैं, आप कोई भी ग्राफ देखोगे तो आपको पहले तो ये दो लाइनें दिखेंगी इस तरीके से, और इस लाइन पे कुछ दर्शाया गया रहेगा और इस लाइन पे कुछ और चीजें दर्शाई रही होंगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 7 छात्रों को दर्शाया गया है, इस लाइन पे छात्रों को दर्शाया गया है और इधर अनुपात का जो मान है उसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया था कि 15/10 इसका मान कितना आता है, 1.5। तो 1.5 कहाँ दर्शाते, 1.5 जिस भी विद्यार्थी का नंबर होता, मान लेते हैं 8वें विद्यार्थी का जो यह मार्क होता तो यहाँ पे क्या लिखते, 1.5 इस तरीके से यहाँ पे लाके दर्शा देते, ठीक है। ये ऐसे आ जाता, बस मिला देते पिछले से, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखना आप सीख लीजिए, यहाँ पे सीधाई सीधाई पे देखा जाता है। जैसे देखिए अगर आपको छात्र एक का क्या देखना है कि उसने इतिहास और भूगोल में कितना अंक पाया, उसका अनुपात क्या है, तो ये हो गया, यहाँ पे आपको देख पाएंगे आप एक नंबर जो छात्र है उसके सीध में यहाँ पे आप देखेंगे 0.65, तो ये क्या हो जाएगा, छात्र एक जो है उसका इतिहास और भूगोल के अंक का अनुपात। इसी तरीके से दो छात्र दो के
का अनुपात कितना है 0.85, इसी तरीके से 3 का क्या है 0.35, 4 का क्या है 1.25। ठीक है, तो ग्राफ पे आप देख पा रहे होंगे क्या चीजें, आप अभी ग्राफ से निष्कर्ष निकालना आप सीख पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक तरफ ग्राफ पे आपको अनुपात दिया गया है, एक तरफ छात्र दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है वह पूछ रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किया। अब इतिहास में अगर ज्यादा अंक उन्होंने अर्जित किया होगा तो क्या होगा, यह आप समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतिहास में जिनको ज्यादा नंबर मिला है और भूगोल में कम मिला है। तो यह निकालने के लिए देखिए पहले प्रश्न में बता दिया है कि ऐसे छात्रों को हमको निकालना है जिनका इतिहास में नंबर ज्यादा है, तो इतिहास में ज्यादा नंबर हो गया भूगोल से। तो अब हमें यहाँ पे पता क्या है, यहाँ ग्राफ में हमें पता है इतिहास और भूगोल का रेशियो, हर एक छात्र का इतिहास और भूगोल का जो अनुपात है वह हमको पता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इतिहास बड़ा है भूगोल से। तो इतिहास अगर भूगोल से बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो अनुपात का मान होगा वह 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर भिन्न में अंश बड़ा है, किसी भी भिन्न में अंश बड़ा है हर से, अंश अगर बड़ा है हर से, तो इस भिन्न का मान क्या होता है 1 से अधिक होता है। जैसे 3/2 इसका मान क्या होता है 1 से अधिक होता है। कोई भी भिन्न आप ले लीजिए 7/6, ये 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अगर अंश बड़ा है तो यह भिन्न 1 से बड़ा है होगा। ठीक, यह बात हमको पता चल गई कि इतिहास में अगर छात्र ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं और भूगोल में कम प्राप्त किए हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली जो उसका अनुपात आएगा इतिहास बटे भूगोल का, उसका मान 1 से बड़ा होगा। तो अब हम लोग देख लेंगे ग्राफ में कि ऐसे कौन कौन से छात्र हैं जिनका जो इतिहास और भूगोल का अनुपात है उसका मान 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा वाला ये देखिए, यहाँ पे अंक है, यहाँ पे अंक है 1.55 और ये है 1.44। अब हमें देखना है कि यह किन विद्यार्थियों के अंक हैं। ठीक है, तो ये देखिए 4 का है, 5 का है और 7 का है। तो ये जो 4, 5 और 7 नंबर के कितने विद्यार्थी हो गए, 3 विद्यार्थी। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि 3 विद्यार्थियों का जो इतिहास में अंक है वह ज्यादा है। ठीक है, भूगोल से ज्यादा अंक पाया है 3 विद्यार्थियों ने इतिहास में, तो ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से हमने ग्राफ में देखा और किस तरीके से हमने पहले देखा। अब इसके बाद देखिए, यहीं तक थोड़ी सी समझने की बात है बस, उसके बाद आगे आपको सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो इतिहास में अगर कम अंक मिले होंगे, देखिए इतिहास बटे भूगोल यही हमें पता है, इसी का मान हमें ग्राफ में दिया गया है, इतिहास बटे भूगोल। तो अगर इतिहास में, यहाँ पे देखिए छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले, तो इतिहास में अगर कम अंक मिले होंगे भूगोल से तो अंश क्या हो जाएगा, किसी इस अनुपात का जो अंश हो जाएगा वह छोटा हो जाएगा और हर बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में जो मान आएगा वह 1 से कम आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन से छात्रों का 1 से कम आया है अनुपात का मान, तो 1 का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का और 6वें नंबर का। तो 1, 2, 3 और 6 नंबर के जो विद्यार्थी हैं, 1, 2, 3 और 6 नंबर के विद्यार्थी, इन सभी का जो अनुपात का मान है वह 1 से कम है। और अनुपात का मान 1 से कम कब होगा, जब भूगोल के नंबर ज्यादा होंगे और इतिहास के नंबर कम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 82 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब इसके बाद देखिए 83 नंबर, भूगोल में
छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जैसे भूगोल में जो छात्र 3 ने अंक अर्जित किया है और उसके बाद जो भूगोल में छात्र 4 ने अंक अर्जित किया है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़त है। यहाँ पे आप समझिए, छात्र 3 और 4 की बात हो रही है, छात्र 3 और 4 की बात हो रही है। अब इनका इतिहास और भूगोल का अनुपात हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत बढ़त निकालना है जो 3 और 4 ने अंक प्राप्त किए हैं भूगोल में। अब 3 और 4 ने कितना भूगोल में अंक प्राप्त किया है यह हमको जानना होगा, ठीक है। प्रतिशत बढ़त अगर हमें निकालना है, केवल देखिए भूगोल के अंकों की बात हो रही है। अभी तक आपने प्रश्न में जो देखा वह बात हो रही थी इतिहास बटे भूगोल, इस अनुपात का मान प्रश्न में दिया गया है और इसी की बात, इसी को यहाँ पे दर्शाया गया है ग्राफ में, ठीक है। केवल भूगोल के अंकों की कहीं पे बात नहीं की गई है, केवल भूगोल के अंकों की बात कहीं नहीं की गई है, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपको अनुपात दिया रहे, जैसे बता दिया गया है कि इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात 1/5 है, तो यह क्या क्या हो सकता है। यह 1/5 इस तरीके से भी हो सकता है कि 15 नंबर इतिहास ने उसने पाया छात्र ने और 10 नंबर उसने पाया भूगोल में, और यही क्या हो सकता है, यही 3/2 भी हो सकता है, यही 30/20 भी हो सकता है। तो अंक कितना पाया यह हमें नहीं पता है, हमें बस अनुपात पता है। और यहाँ प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो अगर हमें 3 और 4 के बीच अंक की प्रतिशत बढ़त निकालना है भूगोल के अंकों की, तो पहले तो हमें भूगोल के अंक पता होने चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना बढ़त हुआ है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, छात्र 3 ने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए और 4 ने भूगोल में कितने अंक प्राप्त किए। उसके बाद बता रहे हैं बढ़त है, तो 4 ने जितने अंक प्राप्त किए होंगे भूगोल में उससे माइनस कर देंगे हम लोग 3 ने जितने अंक भूगोल में प्राप्त किए हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर बढ़त हमको मिल जाएगी, फिर हम प्रतिशत बढ़त निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें यही नहीं दिया गया है कि भूगोल में छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 3 और 4 में कितने अंक प्राप्त किए हैं, यह ग्राफ देख के आप नहीं पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है वह अपर्याप्त है, इनसफिशियंट डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे डेटा इनसफिशियंट क्यों है, क्योंकि केवल इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिया गया है, आपको भूगोल का अंक नहीं दिया गया है। जब आपको छात्रों के भूगोल का 3 और 4 के भूगोल के अंकों का आपको मान दिया रहेगा, तब आप उसमें कितना बढ़त हो रही है और कितने प्रतिशत बढ़त हो रही है यह सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 84, इसी ग्राफ से जुड़ा हुआ। इतिहास बटे भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। अब इतिहास बटे भूगोल का जो मान आप यहाँ ग्राफ में देख पा रहे हैं उसमें जो अधिकतम मान है और जो सबसे कम मान है उन दोनों का डिफरेंस अंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे बड़ा मान आपको सबसे बड़ा और छोटा मान जब भी ग्राफ में देखना होगा तो आप इस तरीके से ऊंचाई और निचाई में देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊंचाई और निचाई में देख लीजिएगा, जो पॉइंट सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा और जो सबसे ऊंचाई पे होगा वह सबसे बड़ा हो जाएगा, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे नीचे है 0.35 और सबसे ऊपर है 1.55, तो 1.55 में से घटा देंगे हम लोग 3.5, तो ये मिल जाएगा 1.20। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा 1.20 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल दिया कि छात्र 4 जो है उसको भूगोल में 60 अंक मिले हैं और उसके
इतिहास में अंक हैं। अब यहाँ पे देखिए सिंपल से बता रहा है, इसी तरीके से अगर हमें पहले इस प्रश्न में पता होता कि भूगोल में 3 और 4 को कितने अंक मिले हैं तो हम लोग प्रतिशत बढ़त बता सकते थे। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में ही बताया है कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास के हमको अंक निकालने हैं। अब देखिए इतिहास बटे भूगोल इसी अनुपात की पूरे प्रश्न में आपसे बात की जा रही है और छात्र 4 की बात यहाँ पे प्रश्न में की जा रही है। 85 नंबर में छात्र 4 की बात हो रही है तो हम लोग देख लेते हैं छात्र 4 का जो अनुपात है वह कितना है इतिहास और भूगोल का, 1.25 है। ठीक, अब यहाँ पे हमको दिया गया है भूगोल में कितने अंक हैं, 60 अंक हैं, तो इतिहास बटे भूगोल बराबर कितना हो जाएगा, इतिहास बटे भूगोल, भूगोल कितना है 60 नंबर है तो बटे में हो जाएगा 60 × 1.25। अब 60 का गुणा हो जाएगा 1.25 में, क्योंकि इतिहास का मान हमें निकालना है तो 60 × 1.25 एक बार 60 हो जाएगा और 60 का 1/4 कितना होता है 15 होता है, तो 15 और जोड़ दिए 60 में तो 75, गुणे का मान कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, यानी कि इतिहास का जो मान होगा वह 75 आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। यहाँ पे अनुपात का मान तो हमें छात्र 4 के लिए यहाँ ग्राफ से पता ही है और भूगोल का मान हमको दिया था तो इतिहास का मान हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इस तरीके से 5 प्रश्न हमने देखे। अब यह ग्राफ आपके लिए, ग्राफ देखना आपको आ रहा होगा और ग्राफ में क्या चीजें हमें पता है और क्या चीजें नहीं पता है यह आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे, 5ों प्रश्नों से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब इसके बाद जो अगला ग्राफ हमको दिया गया है उसके 5ों प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और यहाँ तक कोई दिक्कत अगर आपको आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं ग्राफ के और भी क्लासेस लाने वाला हूँ और भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आपको, तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो ग्राफ हमको दिया गया है, यहाँ ग्राफ में क्या दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए ग्राफ में हमें दिया गया है कच्चे ऊन का उत्पादन मैट्रिक टन में। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक टन में, इधर मैट्रिक टन में आपको उत्पादन दिया गया है कितना मैट्रिक टन उत्पादन हो रहा है यहाँ आपको दिया गया है और वर्ष आपको यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, वर्ष 2013 और 14 का मतलब क्या है, जो अप्रैल 13 से लेकर के मार्च 14 तक फाइनेंशियल ईयर की बात की गई है, तो 13-14 में, फिर 14-15 में कितना उत्पादन हुआ है, फिर 15-16 में कितना मैट्रिक टन, 53 मैट्रिक टन उत्पादन हुआ है, यह आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिए 86 नंबर है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष। अब देखिए ग्राफ में 2013 और 14 में उत्पादन कितना था, 56 मैट्रिक टन था, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं 2014-15 में तो 51 मैट्रिक टन रह गया, मतलब 5 मैट्रिक टन की घटोत्तरी, फिर उसके बाद देखिए 53 हुआ, 2 बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए 65 हुआ, 12 बढ़ा, फिर 65 के बाद देखिए 76 हुआ, 65 के बाद 76 हुआ कितना बढ़ा, 11 बढ़ा, फिर उसके बाद देखिए 76 के बाद यहाँ पे देखिए घट रहा है, कितना घट गया, तो ये घट गया 18 मैट्रिक, फिर देखिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 10 बढ़ रहा है और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5 मैट्रिक टन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिछले वर्षों से अगर हम कंपेयर करें तो उत्पादन कहाँ पे घट रहा है कहाँ पे बढ़ रहा है। अब प्रश्न में आपसे पूछा कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, तो उच्चतम वृद्धि कहाँ पे हो रही है यह आप देखिए, जहां पे घटोत्तरी हो रही है उसको तो हटा ही देते हैं हम लोग, जहां पे घट रही है ये देखिए ये घट रहा था इसको हटा दिया, अब यहाँ यहाँ पे देखिए आप बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 बढ़ रहा है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 बढ़ा है, यहाँ पे 5 बढ़ा है, तो सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा है, 12 बढ़ा है। ठीक है, और
बढ़ोतरी किस वर्ष में हुई है? 2016 और 17 में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा 2016-17 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कई लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि उच्चतम वृद्धि और सबसे ज्यादा उत्पादन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज्यादा उत्पादन का वर्ष अगर पूछेगा तब तो 17 और 18 होगा। 76 में 76 मैट्रिक टन सबसे ज्यादा उत्पादन है, जो सबसे ऊंचा आप देख रहे हो 76 मैट्रिक टन वाला, यह सबसे ज्यादा उत्पादन है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कब रहा। यहाँ पे कंपैरिजन करना है दो चीजों में, तो आप एक ही चीज को देख के नहीं बता देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप पिछले वर्ष को देखेंगे और उससे अगले वर्ष में देखेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है। अंतर जहां पे सबसे अधिक आएगा वहां पे वही सही होगा, ठीक है? और यहीं पे उच्चतम वृद्धि प्रतिशत भी पूछ सकता था, तो हम लोग प्रतिशत निकालते, ठीक है? यहाँ पे सिंपली पूछा है उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, तो ये हो जाएगा 2016 और 17, ठीक है? क्योंकि 2016 और 17 में ही उसके पिछले वर्ष से अधिकतम वृद्धि हो करके उत्पादन बढ़ा है, ठीक है? तो इस तरीके से ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले 4 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ और उसके बाद वाले अंतिम 4 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ, यह दोनों हमको कंपेयर कर लेना है और कितने प्रतिशत से बढ़ा है यह हमको बता देना है। तो यह बताने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले 4 वर्षों का उत्पादन निकालना होगा। पहले 4 वर्षों का, यहाँ पे ग्राफ में आप देखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए एक टोटल 8 वर्षों का उत्पादन आपको दिया गया है। टोटल 8 वर्षों का, यहाँ पे 8 स्तंभ आपको दिख रहे होंगे। तो ये टोटल पहले 4 वर्ष ये हो गए, पहले 4 वर्ष ये हो गए, फिर बाद के 4 वर्ष ये हो गए, अंतिम 4 वर्ष, ठीक है? टोटल 8 वर्षों का उत्पादन आपको दिया गया है। प्रश्न में यही कह रहा है कि पहले 4 वर्षों का जो उत्पादन है और जो अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन है, तो अंतिम 4 वर्षों का जो उत्पादन है कितना प्रतिशत बढ़ा है, यही आपसे कह रहा है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन के उत्पादन में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोग पहले 4 वर्षों का उत्पादन निकाल लेते हैं। तो पहले 4 वर्ष, पहले 4 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ है, पहले 4 वर्षों में उत्पादन अगर निकालना है तो यही हमको जोड़ना होगा, 56 धन 51 धन 53 धन 65। इसको आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 225, और अंतिम 4 वर्ष को अगर देखा जाए, अंतिम 4 वर्षों को अगर देखा जाए तो अंतिम 4 वर्षों में अगर आप देखोगे तो आपको क्या जोड़ना होगा, 76 धन 58 धन 68 धन 73। यह आप करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 275। ये आपने देख लिया पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्ष। अब आप देख लीजिए कितना बढ़त हो रहा है। यहाँ पे आपसे कितना क्या पूछ रहा है, आपसे कितना बढ़ रहा है, तो बढ़त आप निकाल लीजिए। बढ़ोतरी निकालने के लिए अंतिम 4 वर्षों में से पहले के 4 वर्ष आप घटा देंगे तो आपको बढ़त मिल जाएगी। बढ़त कितनी है, 50 मैट्रिक टन की बढ़त है। अब यहां पे आपने बढ़त निकाल लिया तो आपसे प्रतिशत में बढ़त पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत का चिन्ह लगा है, कच्चे ऊन का उत्पादन में प्रतिशत बढ़त है, तो कितने प्रतिशत की बढ़त है यह आपको निकालना है और किससे तुलना करनी है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन से। तो जिससे तुलना करनी रहती है वह आ जाता है बटे में, ठीक है? तो यह आ जाएगा 225 बटे में, और कितनी बढ़त हुई है यह आ जाएगा अंश में,
और गुणे हो जाएगा 100 और लग जाएगा प्रतिशत। यही आपको प्रतिशत बढ़त दे देगा। अगर आपको बढ़त का प्रतिशत निकालना है कितनी बढ़त हुई यह अंश में लिख लीजिए, और जिससे कंपैरिजन करना है यहाँ पे आपको देखिए प्रश्न में दिया है पहले 4 वर्षों की तुलना में, तो पहले 4 वर्षों में उत्पादन कितना रहा है 225, तो बटे में हम लोग लिखेंगे 225 और गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। ठीक, अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 225 को 25 से काटोगे 9 बार में कटेगा, 100 को काटोगे 25 से 4 बार में कट जाएगा, फिर 9 से आप काटिए 50 को 9 25 45, फिर बचेगा 5, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा तो 5.55 × 4 ये कितना आ जाएगा 0, हासिल लगेगा 2, फिर हासिल लगेगा 2 और 20 और 2 22, यहाँ पे 2 स्थान पे दशमलव हो जाएगा, तो 22.2 यह आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है 22.2, तो प्रतिशत बढ़त कितनी हो जाएगी 22.2% की। ठीक, यह आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन आपको निकालना है। तो पहले आपको क्या करना होगा, 8 वर्षों में कितना उत्पादन हुआ है यह आप निकाल लीजिए और उसे 8 से भाग दे दीजिए, यही हो जाएगा औसत उत्पादन। तो यहाँ पे हमने देखिए पहले 4 वर्ष और अंतिम 4 वर्षों का उत्पादन निकालना था, तो 8 वर्षों का उत्पादन कितना हो जाएगा, कुल 8 वर्षों का उत्पादन कितना हो जाएगा 0 और 9 और हासिल लगेगा 1, ये भी 0, फिर 5, 500 मैट्रिक टन का उत्पादन है और 500/8 यही हो जाएगा औसत उत्पादन। ठीक है, तो अब भाग दे दीजिए, 8 से काटेंगे 8 से 48 और हासिल लगेगा 2 20, फिर 2 बार जाएगा और बचेगा कितना 4, दशमलव लग जाएगा 40 और 25 40 हो जाएगा, तो 62.5 62.5 मैट्रिक टन। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह आ जाएगा 8 वर्षों का औसत उत्पादन, मतलब कि औसतन अगर देखा जाए तो हर वर्ष 62.5 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर, उत्पादन में पिछले वर्ष के तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। अब अधिकतम प्रतिशत घटत आपको बताना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि घटत कहाँ कहाँ पे हो रही है। ठीक है, कहाँ पे ऐसा है कि उत्पादन अगले वर्ष घट जा रहा है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। देखिए वर्ष 13-14 के बाद वर्ष 14-15 में जब आप देखेंगे तो 5 मैट्रिक टन की घटत हो रही है, और जहाँ पे यहाँ पे देखिए बढ़त हो रही है तो यहाँ की बात ही नहीं करेंगे, फिर बढ़त हो रही है, फिर बढ़त हो रही है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अचानक से आप को घटोत्तरी देखने को मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे कितने की घटत हो रही है, 76 से 58 आ रहा है, तो 18 की घटत हो रही है, फिर इसके बाद देखिए आप बढ़त बढ़त ही आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दो ही जगह आपको घटत देखने को मिलेगी, उत्पादन में देखिए घटत दो ही वर्षों में हो रही है, तो केवल इन्हीं दोनों में से कोई सही होगा। देखिए 14-15 में घटत हो रहा है, 14-15 में और 18-19 में, 14-15 में यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में 14-15 और 18-19 इन्हीं दोनों में से आपको घटत सबसे अधिक प्रतिशत घटत आपको बताना है। तो आप अधिक आपसे अगर पूछा जाए तो अधिक तो यहीं पे हो रही है, और प्रतिशत में अधिक हो रही है या नहीं यह देखने वाली बात है। तो आपको प्रतिशत में अधिक घटत अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ घटत लिखना होगा। ठीक है, और बटे में पिछले वर्ष का जो किसके तुलना में हम लोग घटत देखेंगे, पिछले वर्ष के गुणे 100, यही होगा प्रतिशत घटत। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 18/76 × 100 यही घटत
आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं दोनों में आपको कंपेयर करना है, जो बड़ा होगा वही अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5/55 मतलब 1/11 का गुणा हो रहा है 100 में, 1/11 का गुणा हो रहा है 100 में। और यहाँ पे देखिए आप 18 से 76 को अगर कंपेयर करेंगे, 18 चौक 72 होता है, तो 4 या 5 के बीच में 1/5 आ जाएगा यह। तो ये देखिए 1/5 जो है वह आपकी बड़ी भिन्न है, लगभग 0.2, 0.2 इसका मान आएगा, और 0.2 में 100 का गुणा होगा तो ये 20% के आसपास आएगा मोटा मोटी। और यह देखिए 1/11 है तो यह 10% से कम ही आएगा इसका मान, ठीक है। तो ये 20% वाला बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ज्यादा घटत हो रही है। तो सबसे अधिकतम घटत किस वर्ष में होगी, 18 और 19 में होगी। इस तरीके से आप बता सकते हो कि 18 19 में सबसे अधिक जो है वह घटत हो रही है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90। 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। तो देखिए आपको यहाँ पे कंपेयर कराना है, 2014 और 15 में जितना उत्पादन था उनका, वह 19-20 के उत्पादन से कितना था। आपको कंपेयर करना है कि 14-15 में जो कच्चे उनका उत्पादन हुआ वह 19-20 के उत्पादन का कितना भाग था। तो जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, अनुपात लेते हैं, ठीक है। तो 14-15 में जो उत्पादन हुआ, 14-15 में कितना उत्पादन हुआ, 51, और 19-20 में कितना हुआ, 68 हुआ। 14-15 में उत्पादन हुआ 51 मैट्रिक टन, और 19-20 में कितना हुआ, 68 मैट्रिक टन। अब यही हमको दिखाना है यहाँ पे, देखिए 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था, तो हमें 14-15 में जो उत्पादन हुआ है, 2014-15 में जो उत्पादन हुआ है उसका कंपेरिजन करना है, 2019 और 20 के उत्पादन से उसको कंपेयर करना है कितना भाग था। यह आपको सिंपली निकालना है कि 2019-20 में जो उत्पादन हुआ उसका कितना भाग 2014-15 में उत्पादन हुआ। तो यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 2019 और 20 से कंपेयर कर रहे हैं, तो जिससे कंपेयर करना होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2014-15 में जो उत्पादन हुआ 51 मेट्रिक टन, उसमें हम लोग भाग दे देंगे 2019-20 में जो उत्पादन हुआ। अब देखिए 17 51, 17 64, यानी कि 3/4 आ जाएगा यहाँ पे उत्तर आपका। तो 3/4 ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दो ग्राफ वाले प्रश्न आपने बिल्कुल सही सही यहाँ पे कर लिए। दोनों ग्राफ आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। ग्राफ में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप बताइएगा, और क्वेश्चंस तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही चैनल पे। अब हम लोग देखते हैं तालिका वाले प्रश्न। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं तालिका पे आधारित प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे तालिका दी गई है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन, ईयरली कमीशन अर्न्ड बाय 5 सेल्समैन, यह आपको दिया गया है। देखिए तालिका में क्या दिया गया है, देखिए तालिका में अगर इधर देखेंगे आप तो 2015 में अलग अलग सेल्समैन द्वारा कितना कमीशन कमाया गया है। सेल्समैन क्या होते हैं, ऐसे काम करने वाले आदमी जो किसी सामान को बेचते हैं, तो उनको कितना अर्निंग हुई, उन्होंने कितना कमीशन कमाया, यह दिया गया है। 2015 में ए ने कितना कमाया यह आप देखोगे, तो 2015 वाले कॉलम में आप देखोगे और ए वाली रो में आप देखोगे, तो ए ने 2015 में कितना कमाया, 27,350। इसी तरीके से अगर पूछ ले कि सी ने 2018 में कितना कमाया, तो सी सेल्समैन के रो में आप देखोगे और 2018 वाले कॉलम में देखोगे। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो सी के सिधाई पे आपको चलना है और 2018 के नीचे आपको देखना है। तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 29,100 पे। तो सी ने 2018 में कितना कमीशन कमाया, तो 29,100 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे साल के हिसाब से दिया गया है कि विभिन्न विभिन्न सेल्समैनों ने कितना कमीशन कमाया।
अगर ऐसे आप देखोगे कॉलम वाइज, केवल कॉलम वाइज ये 2019 का है, इस तरीके से आप देखोगे तो ये 2019 का है, ठीक। अब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेल्समैन के बारे में देखना चाह रहे हो, जैसे डी के बारे में अगर आप देखना चाहोगे, तो डी के बारे में आपको ये वाली लाइन, ये जो रो है डी वाली, ये बताएगा कि डी ने विभिन्न सालों में कितना कितना कमीशन कमाया, ठीक। तो इस तरीके से यह तालिका देखना आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों पे, प्रश्नों से आप और अच्छे से इसे समझ पाओगे। अब देखिए 91 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अब यहां पे बात हो रहा है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। जैसे आप ग्राफ में देख रहे थे तो आपको दिख रहा था कि साफ साफ कि हाँ कितना किसने पिछले वर्ष में कितना उत्पादन हुआ है, इस तरीके से दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको खुद नंबर्स को पढ़ना होगा। अब देखिए सी की बात की गई है, सेल्समैन सी जो है इसकी बात की जा रही है, और हमें निकालना क्या है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उसने ज्यादा कमाया हो, ठीक है। तो अंतर सबसे ज्यादा जहां होगा वहीं सबसे ज्यादा कमाई उसने पिछले वर्ष से की होगी। जैसे 2015 में उसने 26,200 रुपए कमाए हैं, 2016 में उसने 27,800, 2017 में 28,200, 2018 में 29,100 रुपए, और 2019 में 29,400, 2020 में 30,000 रुपए। तो टोटल 6 वर्षों का यहाँ पे दिया गया है, 6 वर्षों का आप क्या कर लीजिए, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे सी ने जितना कमाई किया है, सी ने जितना कमीशन कमाया है उसको हम लोग एक लाइन में लिख लेते हैं। जैसे 2015 में उसने कमाया है 26,200 रुपए, इसी तरीके से 2016 में उसने कमाया 27,800 रुपए, ठीक, इसी तरीके से 28,200 और 29,100 रुपए और 29,400 रुपए और 30,000। अब देखिए 26,200 रुपए और 27,800 रुपए, ठीक है, ये हो गया 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। अब 15 से 16 में उसने कितने रुपए कमाए, तो 15 से 16 में, पहले 15 में कमाए थे 2,602 रुपए और 16 में उसने कमाए कितना, 16 में उसने कमाया है 27,800 रुपए। तो अंतर कितना हुआ, 1,600 रुपए उसने ज्यादा कमाए हैं। 27,800 में से 2,602 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 1,600। अब आगे इसी तरीके से आप अंतर देखते जाओ और आपको पता चल जाएगा कितनी बढ़त हो रही है। 28,200 में से 27,800 आप घटाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 400 रुपए, 400 रुपए आप जोड़ दीजिए तो आपको 28,200 मिल जाएगा। इसके बाद अंतर आप लीजिए 29,100 रुपए में से 28,200, तो यहाँ अंतर आपको मिलेगा 900 रुपए का। फिर इसी तरीके से अंतर आप यहां लोगे तो आपको मिलेगा 300 रुपए का अंतर, फिर यहां अंतर लोगे तो 600 रुपए जोड़ दो 29,400 में, तो 30,000 आ जाते हैं, 600 का अंतर आ जाएगा। फिर यहां पे देखिए अधिकतम वृद्धि वर्ष आपसे पूछा है, तो 26,000 यहां पे देखिए अधिकतम अंतर कहाँ है, तो यहाँ 600 का, यहाँ 300 का, यहाँ 900 का, यहाँ 400 का, अधिकतम है 1,600 का अंतर, और ये 2015 से 16 के बीच में आ रहा है। 2015 से जब उसने 16 में कमाया कमीशन तो उसने अधिकतम वृद्धि की, तो 2016 जो हो जाएगा वह अधिकतम वृद्धि वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा 2016 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो हमको दिया गया है 92 नंबर है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है,
बी का कमीशन और पांचों के कंपैरिजन में, पांचों की तुलना में बी का जो कमीशन है वह कितना प्रतिशत है। तो किसी से तुलना की जाती है, तो मैंने आपको बताया कि जिसको आप तुलना कर रहे हो, आप तुलना कर रहे हो बी के कमीशन को 2018 में, 2018 में बी का कमीशन देखेंगे आप तो कितना था, यही था बी का रो यही है 28,000 बी का कमीशन हो गया। ठीक, अब कंपेयर हम किससे कर रहे हैं, पांचों जो आपके सेल्समैन हैं उनके कमीशन से। तो पांचों सेल्समैन का कमीशन कितना है, पांचों सेल्समैन का कमीशन आप 2018 में जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए योग आपके लिए लिखा भी है, दोनों जोड़ के लिखा है 146,960। यही हो गया कंपैरिजन। अब कंपैरिजन के साथ साथ आपको क्या बताना है, प्रतिशत बताना है कि 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो जहां भी आप आपने कंपैरिजन निकाल लिया कि हाँ कितना था, कितना भाग था, यह तो आपने यहाँ लिख लिया, लेकिन अभी प्रतिशत लिखने के लिए आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे और प्रतिशत चिन्ह आप लगा दोगे। ठीक है, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। अब आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है 28,000 और बटे में 146,960 था। अब एक शून्य यहाँ 100 से काट दीजिए और यहाँ गुणे में बचेगा 10। ठीक, यहाँ गुणे में बच गया 10। अब ऊपर नीचे आप देखिए किससे काट सकते हो, ऊपर नीचे आप काट सकते हो, देखिए दोनों तरफ सम है और ऊपर देखिए 28 जो है वह 4 से कटता है। ठीक है, तो 4 से ऊपर नीचे काटने का प्रयास करिए तो ऊपर 7,000 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3, 12 दो बचेगा, फिर 6 बार, फिर उसके बाद यहाँ पे बचेगा 29, 7 बार और 1 बचेगा और 16, 4 बार। तो ये देखिए ये संख्या छोटी हो गई, 7,000 बटे 3,674, 7,000 बटे 3674 गुणे 10%। अब देखिए यह अभी भी कटेगा, 2 से काट दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 3500 और नीचे आ जाएगा 1837। अब देखिए 3500 यह बराबर हो जाएगा 3500 बटे 1837 गुणे 10%। अब देखिए यहाँ पे 1837 किससे कटेगा, तो ये तो ना तो 3 से कट रहा है ना 7 से कट रहा है, विषम संख्या, तो सीधे सीधे आप भाग दे दीजिए। 1837 से हम लोग भाग दे देंगे, किसमें 3500 में भाग दे करके देख लेंगे कितना आएगा। तो अब देखिए एक बार जाएगा तो 1837 लिख लीजिए, फिर यहाँ पे क्या बचेगा 3, 6 और यहाँ पे 4 बचा हुआ है और एक हासिल आएगा 14 हो जाएगा, 8 घटाएंगे 6 बचेगा और एक यहाँ बचेगा, 1663 बचा। अब दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 16,630 और ये लगभग जाएगा, देखिए 16,000 हो गया है और ये 10 बार में कितना होता 18,370, तो 9 बार तक जा सकता है। तो 9 से अगर गुणा करेंगे इसमें तो देखिए कितना आ जाएगा, 9 × 7 = 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 × 3 = 27 33 हासिल लगा 3 और 9 × 8 = 72 और 3 × 75 हासिल लगा 7, 9 × 9 = 16, तो 16,533। तो देखिए 9 बार यहाँ चला गया तो 1.9 आपको मिल रहा है और 1.9 में 10 का गुणा करेंगे तो 19% आपको यह मिल जाएगा, 19% आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस में आप देखिए तो 19.05% दिया गया है। अब इसी भाग को आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.05% भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2018 में बी का जो कमीशन था वह बाकी के कंपैरिजन में 19.05% था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे
अगला प्रश्न है, 93 किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 वर्ष के बारे में बताया गया, 2018 और 2015, तो आपको 2 कॉलम के साथ चलना है, 2015 और 2018, यह 2 कॉलम आपको देखने हैं। और इसमें क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन से सेल्समैन के आय में सबसे अधिक वृद्धि हो रही है, कौन सा सेल्समैन अब ज्यादा कमीशन कमा रहा है अपने पिछले कमीशन के तुलना में। तो जिसका अंतर सबसे अधिक होगा वह क्या होगा, सबसे ज्यादा वृद्धि उसके कमीशन में होगी। यही आपसे पूछ रहा है कि किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो 2018 के जैसे ए का आपको निकालना है, तो ए का 2015 का आप कमीशन ले लीजिए और 2018 का, 2018 के कमीशन में से 2015 वाला कमीशन आप घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि ए के कमीशन में कितनी वृद्धि हुई है। यह सबका आप देख लीजिए, सबके कमीशन में कितना वृद्धि हो रही है। चलिए इसे देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें 2 कॉलम लेना है, 2015 और 2018, ठीक। अब यहाँ पे ए का अगर हम देखें तो ए ने कितना कमीशन कमाया 2015 में, तो उसने कमाया 27,350 और 2018 में कमाया 29,800। ऐसे ही आपको लिख लेना है। देखिए ए ने कमाया 2015 में 27,350 और 29,800, 2018 में कमाया। इसी तरीके से बी ने कितना कमाया, 2015 में कमाया 26,850। इसी तरीके से सी ने 2015 में कितना कमाया, 26,200। और डी ने 2015 में कितना कमाया है, 27,850। और ई ने 2015 में कितना कमाया है, 28,640। तो 2015 के सभी नंबर्स को आप मिला लीजिए, 28,640, 27,850 और 26,200 और 26,850, ये हो गया। अब इसके बाद 2018 की फिगर्स को हम लोग लिख लेते हैं, 28,000, 29,100। देखिए 28,000 और 29,100 और 30,060 और 30,000, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना अंतर है, यहां से यहां पहुंचने में कितना अंतर हुआ है, कितना कमीशन बढ़ा है। तो 29,800 में से घटाएंगे 27,350, तो 0,542, 2,450, और ये आएगा 1,150, ये आएगा 2,900 और ये आएगा 2,210 और ये आएगा 1,360। तो सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक सी का है, 2,900 रुपये उसकी वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखिए तो उच्चतम वृद्धि किस सेल्समैन की हुई है, तो सी की हुई है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हुआ हो जाएगा। सी सेल्समैन की उच्चतम वृद्धि हुई है 2015 से 2018 को अगर हम कंपेयर करेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। निम्न में से किस वर्ष में किसी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। आप समझिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भी एक वर्ष का आप कॉलम देखिए और किसी भी सेल्समैन ने जो सबसे अधिक कमाया है और जो सबसे कम कमाया है उसमें आप अंतर निकालिए, ठीक है। अब जैसे 2015 वर्ष की अगर हम बात करें तो सभी सेल्समैन ए बी सी डी ई
में आप देखिए कि सबसे ज्यादा किसने कमाया है और सबसे कम किसने कमाया है, और इन दोनों बीच का अंतर आप लीजिए, ठीक। और साथ ही इसी तरीके से आप 2016 का भी देखिए, 2017 का भी देखिए, 18 का भी देखिए, 19 का भी देखिए और 20 का भी देखिए, ठीक। इस तरीके से सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ पे है, किस वर्ष में है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। सभी वर्ष में जो सबसे अधिक कमा रहा है, सबसे कम कमा रहा है, उसका अंतर आपको ले लेना है, और सबसे अधिक अंतर कहाँ पे है, किस वर्ष में है, वह वर्ष आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है। जैसे अभी आपने सेल्समैन की वृद्धि में देखा था, वैसे ही यहाँ पे आपको एक वर्ष में सबसे अधिक वाला खोजना है और सबसे कम वाला खोजना है। तो देखिए, अब यहाँ पे हमें चिन्हित करना है कि 2015 में सबसे अधिक किसने कमाया था और सबसे कम। तो देखिए, 27,000 को पहले देखिए, यहाँ पे 27,000 कमाया ए ने, बी ने 26, 26, 26, 27 और ई ने 28,000 कमाए हैं। तो साफ साफ सबसे पहले दिख रहा है कि 28,000 वाला ज्यादा है, 28,000 से ऊपर किसी ने नहीं कमाया, बाकी सब 27 में ही है। तो ई ने सबसे अधिक 28,000 कमाया है। अब देखिए यहाँ पे सबसे कम किसने कमाया है, तो देखिए 26,000 वाले दो हैं, एक ने 26,850 कमाया है, एक ने 26,200 कमाया है। तो आपको मिल गया यहाँ पे 2015 में सबसे अधिक और सबसे कम वाला। तो चलिए लिखिए, 2015 में जो अधिक कमाया है और जो कम कमाया है, ऐसे दो कॉलम बना लीजिए। 2015 में सबसे अधिक कमाने वाला क्या है, 28,640 कमाया है, और सबसे कम जो कमाया है वह कमाया है 26,200 रुपये। अब घटा लीजिए, अंतर कितना है, अंतर हम लोग लिख लेंगे, अंतर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 2,440 रुपये का। इसी तरीके से 2016 में हम लोग लिखेंगे, 2016 में इसी तरीके से चिन्हित करेंगे यहाँ पे, 2016 में, 2016 में सबसे अधिक देखिए आप दिख रहा है 30,040 रुपये, और सबसे कम जो दिख रहा है 27,800 दिख रहा है, ठीक है। 30,040 रुपये और 27,800 रुपये, सीधे सीधे घटा दे रहे हैं, हम लोग को कितना मिल जाएगा, 2,240 रुपये, ठीक है। इस तरीके से 2017 का, 2018 का और 2019 का, ठीक है, 2019 और 2020 सबका यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। 2000 देखिए 17 का लिखेंगे, ये है 29,800 अधिकतम, और कम में है यहाँ पे 25,200। ऐसे आपको चिन्हित कर लेना है और अंतर निकाल लेना है। आप समझ पा रहे होंगे अब आपको क्या करना है, इसलिए मैं आपको चिन्हित करके दिखा भी नहीं रहा हूँ। 2017 2018 में आते हैं, तो सबसे अधिक जो कमाया है वो 30,000 कमाया है, और सबसे कम जो कमाया है वह कमाया है 28,000। साफ आपको अंतर दिख रहा है, 2000 का अंतर है यहाँ पे, तो घटाएंगे 2000 आ जाएगा। और 2019 में देखिए, एक ने कमाया 29,800 कमीशन सबसे अधिक, और सबसे कम कमाया है 24,600 रुपये, ठीक। अब यहाँ अंतर आप लोगे तो आ जाएगा 5,200 रुपए का अंतर। इसी तरीके से 2020 में आप देखोगे तो सबसे अधिक जिसने कमीशन कमाया उसने कमाया 32,000, और सबसे कम जिसने कमीशन कमाया है उसने कमाया 27,000, अंतर आ जाएगा 5,000 का। और यहाँ पे अधिकतम अंतर की बात अगर की जाए तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो अंतर 2000 का, 2000 का, 4000 का, 2000 का, 5000 का, 5000 का। तो 5000 सबसे अधिक दिख रहा है, 5000 में दो हैं, एक है 5200, एक है 5000, तो 5200 बड़ा है। तो यहाँ पे 2019 में आप कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक जिसने कमाया और सबसे कम जिसने कमाया है उसका अंतर जो है वह अधिकतम है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ष हो जाएगा सही, 2019। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 2019, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। 2019 में डी जितना
कमीशन अर्जित कर रहा है वह ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब डी जितना कमीशन अर्न कर रहा है यह हमें दिखाना है। देखिए डी द्वारा अगर अर्न किया गया, आप कमीशन देखेंगे डी द्वारा 2019 में, तो डी द्वारा वह 29,800 और ए द्वारा कितना है, ए द्वारा है 24,600। ठीक है, तो यहीं पे डी द्वारा जो अर्जित है वह 29,800 और कंपैरिजन किससे करना है, किससे तुलना करनी है, ए द्वारा अर्जित तो बटे में आएगा, ए द्वारा अर्जित तो 24,600 ऊपर है 29,800, नीचे है 24,600 और कितना प्रतिशत है यह निकालना है, तो गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। अब देखिए दो शून्य कट जाएगा, 298/246 गुणे 100 है। अब देखिए 298 बड़ा है और 246 छोटा है, तो इस पूरे का मान जो आएगा वह एक से बड़ा आएगा। अब एक से बड़ा है तो एक में अगर 100 का गुणा होता है या एक से बड़े संख्या में 100 का गुणा होता है तो वह 100 से ज्यादा आएगा, यानी प्रतिशत जो आएगा वह 100 से ज्यादा प्रतिशत होगा कुछ, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वह 18, 21, 52 इतना दिया गया है, तो यहाँ पे वह ऑप्शन सही दिया नहीं गया है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिशत आएगा वह 100 से अधिक आएगा। ठीक, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, यहाँ ऑप्शंस में दिया गया है तो इस ऑप्शंस में दिया नहीं है तो इसलिए सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट तालिका देखेंगे, नेक्स्ट टेबल देखेंगे। यहाँ पे 5 प्रश्न हमने पिछले टेबल के कर लिए, यह आपका पहला टेबल था जिसको आपने सॉल्व किया, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अब अगला टेबल हम लोग देखने चल रहे हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टेबल है, 96 से 100 तक प्रश्न को विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शेयर ब्रोकर आपको दिए गए हैं, जैसे शेयर ब्रोकर्स कौन कौन से हैं, एंजल है, शेयर खान है, जीरोधा है और ट्रेडबुल है, तो ये शेयर ब्रोकर्स होते हैं और शेयर मार्केट में जिसको ट्रेडिंग करना होता है वह अपना अकाउंट खुलवाता है, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो। ठीक है, डिफरेंट एक तरीके से आप समझिए कि ये अलग अलग बैंक के नाम है। ठीक है, और ये बैंक में खुले खातों की संख्या है, जैसे मई माह में एंजल बैंक में 25 खाते खुले, शेरखान में 22, जीरोधा में 30 और ट्रेडबुल में 35। ठीक है, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे इसको, टेबल को आप समझ रहे होंगे। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, प्रश्नों को देखते हैं और फिर टेबल को एक बार और अच्छे से समझते हुए करते हुए चलेंगे। तो देखिए 96 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से किस माह में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। अब देखिए यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि किस महीने में सबसे अधिक खाते खुले हैं, यह आपसे सीधे सीधे औसत आप निकाल के बताइए महत्तम, या फिर पहले ही आप जोड़ के बता दीजिए। तो महीनों वाइज हम लोग देख लेते हैं कितने खाते खुल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग योग जोड़ दें, योग अगर निकाल लें तो मई में कितने खाते खुले हैं, तो 5 और 2 7 और 5 12 के 2 हासिल लगा 1 और 1 और 3 4 और 3 7 7 और 2 9 और 2 11, तो ये कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। और इसके बाद जून माह में कितने खाते खुले इसको जोड़ते हैं, तो देखिए 2 और 5 7 और 8 15 और 8 23 के 3 हासिल लगा 2, 2 को जोड़ दीजिए 4 में 6 और 4 10 11 और 13 133। इसी तरीके से सबको जोड़ लीजिए तो ये आ जाएगा 162, ये आ जाएगा 180 और ये आ जाएगा 200। तो अब
अगर हमें यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि औसतन सबसे अधिक खाते किस माह में खुले हैं, ठीक है? देखिए, निम्नलिखित में से किस माह में खुले खातों की संख्या औसत महत्तम है? अब यहाँ औसत निकालने की जरूरत ही नहीं है। मई माह में 112 खाते खुले हैं, जून में 133, जुलाई में 162, अगस्त में 180 और सितंबर में 200। तो सबसे अधिक महत्तम किस माह में सबसे अधिक खाते खुले हैं? तो सितंबर माह में सबसे अधिक 200 खाते खुले हैं, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है। संतानवे नंबर प्रश्न है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? तो अगस्त माह में कितने खाते खुले हैं और साथ ही किससे हमें देखना है, जून में खुले खाते संख्या से कितने अगस्त और जून को देखना है? तो अगस्त में 180 खाते और जून में 133 खाते। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत। तो जून के खातों से हमको कंपेयर करना है, तो अगस्त के खाता और जून का खाता, तो अगस्त में 180 और जून में 133, अंतर कितने का आ जाएगा, 40 और 7, 47 का अंतर आ गया। अब वृद्धि हुई है 47 की और जून से कंपेयर करना है, तो 133 से भाग कर देंगे क्योंकि जून में 133 खाते खुले थे, और प्रतिशत में हमें बताना है कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है, तो प्रतिशत बताना है, तो इसी में गुणा कर देंगे 100% का। अब यहीं पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस देखिए सब करीब करीब के दिए गए हैं, तो इसको हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? तो 133 से भाग करेंगे 47 में, तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा 470। अब भाग करेंगे तो देखिए 133 है, 130 ही मानिए, तो 3 बार गुणा कर देंगे आप, तो 390 हो जाएगा, ठीक, 3 से गुणा कर देंगे, और 400 करेंगे तो 470, 470 से ज्यादा चला जाएगा, 3 बार गुणा करिए तो ये हो जाएगा 993, 399, और 400 से एक ज्यादा यानी कि 71 यहाँ पे बच जाएगा, और 71 हो जाएगा 710, और 710 हो जाएगा ये, तो लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 बार ले जाएंगे, 0.35 यहाँ पे आ रहा है देखिए, और इसमें गुणा होगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 दशमलव कुछ प्रतिशत, या 35 के आसपास ही आएगा, 35.3% देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो 35.3% आपको मिल जाएगा उत्तर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? मई से लेकर के सितंबर तक यानी कि सभी जितने भी महीने हैं, इसमें अगर एंजल में खुले खातों को हम देखें तो जोड़ लीजिए एंजल में कितने टोटल खाते खुले हैं मई से लेकर के सितंबर तक, तो इस पूरे रो को जोड़ना है, यानी कि 25 में 28 जोड़ेंगे, फिर 35 में 65 जोड़ेंगे और 55 जोड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 35 और 65 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100, 55 155, और इधर 25 और 28 ये हो जाता है 53, तो 155 धन 53, तो ये हो जाएगा 208, तो यहाँ पे योग जो आ जाएगा 208 आ जाएगा, और जीरोधा से कंपेयर करना करने को कह रहा है, तो अब इसको जोड़ लेंगे देखिए 40 50 30, ये कितना हो जाएगा, 40 50 और 30 हो जाएगा 120, और 45 और 35 बचते हैं तो ये आपस में कितना हो जाएगा 80, यानी कि ये 120 और 80 200।
ठीक, अब यहाँ प्रश्न में आपसे कहा है कि मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात है। मई में जितने एंजल में खाते खुल रहे हैं और जीरोधा, तो एंजल को ऊपर रखेंगे क्योंकि एंजल जो है वह पहले आ रहा है। तो एंजल 208 और बटे 200, 100 से अगर भाग कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2.08/2, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.04। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? तो किस शेयर में सबसे अधिक खाते खुले हैं यह देखने के लिए सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, एंजल का जोड़ा हुआ है, शेर खान का जोड़ते हैं। शेर खान का जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 2, 7 और 8, 15 और 2, 17 के साथ हासिल लगा एक, और 5 और 3, 8 और 3, 11, 1, 12 और 2, 14, 147 हो जाएगा शेर खान। और इसी तरीके से ट्रेडबुल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2, 12 हासिल लगा एक, 7, 5, 13 और 4, 17 और 4, 21 और 3, 7 और 5, 12, 4, 16, 4, 20 और 3, 23, 232। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक खाते किसमें खुले हैं, ट्रेडबुल में खुले हैं। तो किस शेयर ब्रोकर के खातों की औसत संख्या महत्तम होगी? तो ट्रेडबुल की। अब इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100, ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? तो ट्रेडबुल में खुले हैं 232 खाते और शेर खान में खुले हैं 147 खाते। तो ट्रेडबुल में 232 और शेर खान में 147, दोनों का अंतर ले लेंगे तो दोनों का अंतर आप लोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 12 में से 7 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बचा है 2 और 1 हासिल लेंगे तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, यानी कि 85 ज्यादा है, 85 अकाउंट्स ज्यादा खुले हैं शेर खान से। तो प्रतिशत इतना प्रतिशत कितना प्रतिशत अधिक होगा यह निकालने के लिए, कितना अधिक है? 85 अधिक है, और बटे किससे निकाल रहे हैं? शेर खान से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो 147 बटे में आ जाएगा और गुणे 100% चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी को हमें सॉल्व करना है, 85 बटे 147। तो 85 बटे 147 यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए 85 3 से नहीं कटेगा, 147 3 से कटेगा, तो यहाँ पे कट नहीं रहे तो सीधे सीधे भाग दे दीजिए, 147 से भाग दे देते हैं 85 में, तो देखते हैं कितना आता है। 147 से भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 850 हो जाएगा। अब देखेंगे कितनी बार जाएगा, तो 5 बार जाएगा क्योंकि 1470 होगा और 1470 का आधा 735, तो 5 बार जाएगा। इस तरीके से अनुमान लगा के हम लोग चलते हैं, 735 आएगा, 735, 735 घटा देंगे 840 में से तो ये हो जाएगा 115, फिर शून्य लगाएंगे हो जाएगा 1150, तो 7 बार जाएगा, तो 0.57 × 100, यानी कि यह कितना आएगा? यह लगभग आएगा 57% के लगभग आएगा, तो 57%, ऑप्शन ए जो हो जाएगा 57.82, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए कि बहुत ही आसानी से हमने दोनों टेबल को हल कर लिया है यहाँ पे, और दोनों ग्राफ को भी हल कर लिया है, तो बहुत ही आसानी से यह 20 नंबर आप स्कोर कर लोगे लास्ट के। अब उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको यह क्लास समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सब शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में, ताकि सभी लोग आसानी से टेबल को और ग्राफ को समझ पाए। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाइएगा, और नोटिफिकेशंस में
ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस तरीके की जितनी भी पेट से रिलेटेड वीडियोस प्रीवियस ईयर सभी के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि सभी को आप लोग पढ़ पाओ, सभी वीडियोस से लाभ उठा पाओ। अब इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।